नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। आज की टॉप हेडलाइंस, 4 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नवी उत्तर बंग उत्सव करेंगी आगाज। एनआरसी सीए और एनपीआर के विरोध में जलपाईगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस की ओर से महाराली। छोटे भाई द्वारा बड़े भाई की हत्या, पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को लिया हिरासत में। आज बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। आज से 4 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर आ रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नवे उत्तर बंग उत्सव का करेंगी रंगारंग आगाज। 9 विशिष्ट व्यक्तियों को देंगी बंग रत्न सम्मान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सोमवार को 4 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर आ रही हैं। सुश्री बनर्जी दोपहर को कोलकाता से रवाना होंगी, करीब 3 बजे बागडोगरा पहुंचेंगी। इसी दिन वे 18 खाई मैदान में नवा उत्तर बंगाल उत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। उत्तर बंग उत्सव के दौरान टेबल टेनिस कोच भारती घोष समेत उत्तर बंगाल के कुल 9 विशिष्ट व्यक्तियों को उत्तर बंग रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वहीं उत्तर बंगाल के प्रत्येक जिले से 10-10 जरूरतमंद मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद सीएम 21 जनवरी को कर्शियांग में एक प्रशासनिक बैठक को संबोधित करेंगी। वहीं 22 जनवरी को दार्जिलिंग में सीएए तथा एनआरसी के विरोध में आयोजित रैली में भाग लेकर मुख्यमंत्री 23 जनवरी को दार्जिलिंग पहाड़ पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती समारोह में शामिल होंगी। 24 जनवरी को वे सिलीगुड़ी लौटेंगी और फिर यहीं से कोलकाता वापस लौटेंगी। उल्लेखनीय है कि इस साल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह दूसरा उत्तर बंगाल दौरा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सीएए तथा एनआरसी के खिलाफ सिलीगुड़ी में पदयात्रा निकाला था। सुखिया पोखरी थाना अधीनस्थ पोखरेबुंग ग्राम पंचायत 3 के मंगर जोन चाय बगान के जीतू गांव में छोटे भाई द्वारा बड़े भाई की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। सुखिया पोखरी थाना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उदय राय ने अपने बड़े भाई अमीर राय की लाठी से मारकर हत्या कर दी। रविवार रात को करीब 7:30 बजे उक्त घटना हुई। पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है और उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा ली है। बड़े भाई के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। डुअर्स के बंद चाय बगानों में इलाज के अभाव से श्रमिकों की मौत का सिलसिला है जारी। रायमटांग चाय बगान में इलाज के अभाव में एक और श्रमिक की हुई मौत। मैं यही बोलना चाहूंगा बड़े दुख के साथ, क्योंकि आज मेरा गांव में भी ये घटना हुआ रायमटांग चाय बगान में। इसका मेन वजह है आज हम लोग का बगान 3 महीना से बंद है। बंद होने की वजह से श्रमिक को घर में खाने के लाले पड़ रहे। आज देखिए चिकित्सा के अभाव में, चिकित्सा अभाव बोलने से आज हम लोग का मेडिकल सुविधा का हिसाब से दवाई सवाई सरकारी व्यवस्था मिल रहा है, लेकिन घर से लतावाड़ी हॉस्पिटल तक ये प्राथमिक चिकित्सा तक ले जाने के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं, जिसका कारण से आज दिन प्रतिदिन श्रमिकों का देहांत होते जा रहा है। ये इसके लिए सरकार या जितने भी हमारे संगठन ने कड़ा से कड़ा पहल ले ताकि आगामी दिन में जाकर और ऐसा दुखद घटना किसी घर में ना घटे। बगान भी बंद हुआ था। हाँ। और इसी बीमार भी हो गया। अच्छा। बीमार होने हो गया। हाँ। फिर पैसा वैसा भी नहीं था, खोज कर भी दिया। हाँ। और कर फिर लोथाबाड़ी ले गया था। लोथाबाड़ी से फिर अलीपुर, फिर अलीपुर ऑफर कर दिया। अलीपुर से ऑफर कर अलीपुर ले गया। अलीपुर से फिर बाहर बोल रहा था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों से पीएम मोदी ने की खास बातचीत। छात्रों से बोले चंद्रयान फेल होने के बाद चैन से सो नहीं पाया था। परीक्षा पे चर्चा का यहाँ तीसरा संस्करण तालकोटरा स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसपे देश विदेश से आए विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने परीक्षा को लेकर अपने सीधे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे और पीएम मोदी ने उनका जवाब दिया। राजस्थान से यशवी का पहला सवाल था कि बोर्ड पेपर की वजह से मूड ऑफ हो जाता है तो हम किस तरह अपने आप को उत्साहित करें। पीएम मोदी ने कहा, मुझे लगा कि छात्रों का मूड ऑफ नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अधिकतर ऐसा बाहर की परिस्थितियों की वजह से होता है। जब हम पढ़ते हैं तो मम्मी को कहते हैं कि 6 बजे चाय पीनी है, लेकिन अगर टाइम पर चाय नहीं आती है तो मूड खराब हो जाता है। लेकिन अगर इसे दूसरे तरीके से सोचे तो भी मन में आना चाहिए कि माँ को
कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि अपने अपेक्षा को अपने साथ जोड़ लिया है, इसीलिए ऐसा होता है। हर व्यक्ति को मोटिवेशन या डीमोटिवेशन से गुजरना पड़ता है। जब चंद्रयान जा रहा था तो हर कोई जाग रहा था, जब असफल हुआ तो देश डीमोटिवेट हो गया था, जब चंद्रयान फेल हुआ तो मैं चैन से बैठ नहीं पाया, सोने का मन नहीं कर रहा था। हमारी टीम कमरे में चली गई थी, लेकिन बाद में मैंने सभी को बुलाया, मैंने टीम को बताया कि हम वापस बाद में जाएंगे और सभी वैज्ञानिकों को सुबह बुलाया। एनआरसी, सीए और एनपीआर के विरोध में रविवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक महारैली निकाली गई। असम और ब्लॉक करल से शुरू होकर यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। रैली में सदर ब्लॉक दो के पूर्व सभापति नीताई कर के नेतृत्व में निकाली गई थी, जिसमें एसजीडीए के चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन, जलपाईगुड़ी नगर पालिका के चेयरमैन मोहन बॉस, 21 नंबर वार्ड पार्षद मदन दास, जलपाईगुड़ी पंचायत समिति सभापति सुचिता कर सहित भारी संख्या में समर्थकों ने भाग लिया। रैली के दौरान एनआरसी और सीए के विरोध में नारे भी लगाए। एक्चुअली এটা জলপাইগুড়ি সদর ব্লক 2 এবং 21 নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে আজকের এই মিছিল, এনআরসির মিছিল, এনআরসি এবং সিএ এর বিরুদ্ধে মিছিল আমাদের, কারণ আমাদের জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে এই এনআরসি নিয়ে কোনো রকম আন্দোলন নেই। সুতরাং আমরা এই আন্দোলন शामिल हुए थी एवं हमारा प्रतिनियत ये आंदोलन चले जाबो। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सनशाइन हाई स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, अफिलिएटेड टू आईसीएसई बोर्ड। एडमिशन फॉर सेशन 2020 प्री नर्सरी टू क्लास 9। क्वालिटी एजुकेशनल, सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, leadership programs, games indoor and outdoor, co-curricular activities, pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine School 7797965318, 9743155003। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स, सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। के तपाई एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइफ 24 घण्टा न्यूज च्यानलद्वारा यहाँहरू समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूको भिडियो आफ्नो मोबाइलद्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक सम्बद्धताको आइडी कार्ड, सम्बर्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ व्हाट्सएप नम्बर 7432944774। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अलीपुरद्वार जिले के बक्सा बाघ परियोजना में कुछ दिन पहले ही ब्लैक पैंथर देखा गया था और अब एक एशियन ब्लैक बियर का शावक मिला है। वन विभाग द्वारा इस शावक को एक सुरक्षित पिंजरे में रखा गया है और उसको फल फूल खिलाए जा रहे हैं।
हालांकि अभी तक यहां पता नहीं चल पाया है कि इस शावक की मां कहां है, लेकिन वन विभाग द्वारा इस बच्चे को काफी सुरक्षित तरीके से पालन पोषण किया जा रहा है। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद से बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम संभाल रहे जेपी नड्डा पूर्ण अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने नामांकन कर दिया है। अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव संगठन चुनाव प्रभारी राधामोहन सिंह को सौंपा। इसके साथ ही जेपी नड्डा निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद से ही बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम संभाल रहे जेपी नड्डा अब पूर्व अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस विधायक डॉक्टर सुखविलास वर्मा और तृणमूल विधायक दुलाल देवनाथ की मुलाकात से राजनीतिक अटकलों का बाजार हुआ सरगर्म, तरह तरह के लगाए जा रहे कायस। जलपाईगुड़ी के कांग्रेस विधायक डॉक्टर सुखविलास वर्मा के घर पर अचानक से रविवार देर शाम की तृणमूल कांग्रेस नेता दुलाल देवनाथ पहुंच गए। दोनों नेताओं में काफी लंबे समय तक वार्तालाप हुई। इन दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नगरपालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। ऐसे में इन दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि संभव है कि कांग्रेस विधायक डॉक्टर सुखविलास वर्मा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। हालांकि दोनों ही नेताओं के तरफ से इस मुलाकात को सौहार्दपूर्ण मुलाकात बताया जा रहा है। बहू के ओ एक दिन बोल लो जे आपने अमर मायर मतन मान यही हे दुलालर संगे हम रिलेशन এ আমার বউ এখানে এসেছিলেন, ওয়েট করছিলেন ওর সঙ্গে দেখা করে যাবে, কিন্তু ওই বিয়ে বাড়ি চলে গেল। তো ওর সঙ্গে রিলেশন আমাদের আলাদা আলাদা করে রাখুন। হ্যাঁ, ও কোন পার্টিতে আছে কে আছে না আছে ওইসব নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি ভাই। তো এর আগেও দেখা করেছে, এর আগেও কথা হয়েছে আমার। 2009 পরে উনি যখন 2011 এমএলএ নির্বাচিত হন আমাদের সদর বিধানসভায় আমাদের কংগ্রেস তৃণমূল জোটের মাধ্যমে, তখন থেকে দাদা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। আজকে উত্তরবঙ্গের আমি মনে করি দাদা আমাদের কাছে উত্তরবঙ্গের একজন বড়, উত্তরবঙ্গের মানে ভাওয়াইয়ার গবেষক শুধু নন, অত্যন্ত ভালো গায়ক আপনারা জানেন। এবং দাদার কাছে এইটাই শিখি আমি যে উনি পর নিন্দা পরচর্চা এটার থেকে বিরত থাকেন। আজকে এই কারণে এসেছি, আর যখনই আমি শুনলাম মোদী এসেছে, কারণ আপনারা তো অনেকেই জানেন না দাদা বৌদি আমাকে প্রত্যেকবারই দুর্গা পূজার জন্য আমার পরিবারের জন্য কাপড় পাঠাতো, আমার আমার ওয়াইফের আমার ছেলের পাঠাতো। বৌদি যখন আসছে বৌদিকে আমি মা বলেই সম্বোধন করি, আপনি আমার মায়ের মতো। তো এই কারণেই দাদার কাছে, আরও এই কারণেই আসছি যে প্রশাসনিক বিভিন্ন ব্যাপারে দাদার কাছে একটু অভিজ্ঞতা নিতে, দাদাকে মাঝে মাঝে দাদা একটু পরামর্শ দিবেন কী করবো কীভাবে করবো না। কারণ জনপ্রতিনিধি হয়েছি প্রায় এক বছর, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতির দায়িত্ব সামলেছি, প্রশাসনিক ব্যাপারে তো অভিজ্ঞতা আমার কোনোদিন ছিল না, জনপ্রতিনিধির হওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল না 40 বছরের রাজনীতি জীবনে। राजस्थान के चुरू जिले में सोमवार को एक एसयूवी और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की दर्दनाक हुई मौत। हादसा चुरू जिले में स्थित सालसर फतेहपुर रोड पर हुआ है। इस घटना में घायल लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है। मिली जानकारी के अनुसार कार सवार लोग सालासर फतेहपुर रोड से सूजनगढ़ की तरफ जा रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने इनका वाहन टकरा गया। हादसे में कार सवार 7 लोगों की घटना पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य शख्स घायल हुआ है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार घायल शख्स को हायर सेंटर में रेफर किया गया है। अलीपुर द्वार में पिंजरे में फंसा तेंदुआ, वन विभाग एवं स्थानीय लोगों ने लिए राहत की सांस। 1.5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद हुआ कैद। अलीपुर द्वार जिले के मदारी हाट के गैरगंडा चाय बगान में पिछले कई दिनों से उत्पात मचा रहा तेंदुआ करीब 1.5 महीने की भारी मशक्कत के बाद आखिरकार पिंजरे में फंस गया। सोमवार सुबह पिंजरे में फंसा देख इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं वन विभाग को भी थोड़ी राहत मिली, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से पिंजरा लगाने के बावजूद भी तेंदुए के नहीं फंसने से स्थानीय लोगों का दबाव उन पर लगातार बढ़ता जा रहा था। गौरतलब है कि 17 दिसंबर को मदारी हाट के गैरगंडा चाय बगान में 19 वर्षीय एक युवती को तेंदुए ने अपने मुंह में दबाकर उसे खींचते हुए चाय बगान के अंदर ले गया। इसके बाद तुलसीवाड़ा चाय
बागान से उस युवती का शव बरामद किया गया। इस घटना के बाद वन विभाग की ओर से मदारी हाथ के तुलसी पारा, गेर गंडा, रामझोड़ा, धुमची पारा, चाय बागान में कुल 9 स्थानों पर पिंजरे लगाए गए थे। आखिरकार सोमवार सुबह गेर गंडा चाय बागान के 4 नंबर सेक्शन में लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ जा फंसा। वन विभाग के लंकापाड़ा रेंज के वन कर्मी मौके पर पहुंचकर तेंदुए को अपने कब्जे में लेकर उसे दक्षिण खैरबाड़ी ले गए। आज के लेपट खचाबंदी से गरगंडा चा बागान 4 नंबर सेक्शन थे। तो नॉर्मली बोला जाए ना, खूब कम समय जन ऑब्जर्वेशन पे तो साउथ खैरबाड़ी रेस्क्यू सेंटर नहीं जाए तो बिहेवियर देखा जाए, बिहेवियर गो लक्ष्य कर তারপর বোঝা যাবে, এবার সরাসরি বলতে পারা যায় না। হ্যাঁ, 17 তারিখ একটা ঘটনা ঘটেছিল, তারপর আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমরা প্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছি, আপনাদেরকে আগেও বলেছি যে আমরা কিভাবে ডিউটি করেছি। বালদামে শাদি সমারোহ মে কিবক নে কি বচ্চি কে অপহরণ কা প্রয়াস, পরিবার বালো নে যুবক কি সামূহিক পিটাই কর পুলিশ কো সপা। এটা ওইখানে হচ্ছে গান বাজছিল, সব বাচ্চা কাচ্চা নাচছিল, ঠিক আছে। এবার ওইখানে হচ্ছে আমিও বসেছিলাম, বসার পরে দেখছি ওই ছেলেটা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে থাকার পরে আমি ভাবলাম যে আত্মীয় স্বজন আছে কেউ, নিয়ে ফট করে দেখছি যে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে হাঁটা দিল। তা আমি ফট করে বললাম ডাক 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 ডাক, তো আসলো না, কী আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? বলছে ঘোরাতে নিয়ে যাচ্ছে। তাই আমি ঘোরাতে নিয়ে যাচ্ছে, আমি তো বুঝতে পারলাম যে আত্মীয় হয়তো কেউ আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার দিদিকে ডাকলাম যে দিদি ডাক, তোকে চিনিস নাকি? তো বলছে না চিনি না। দিয়েকে একটা দুটো কথা বলতে বলতে তখন ও বলছে যে এই ঘোরাতে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এই করছিলাম সেই করছিলাম, যেহেতু পাবলিক টাবলিক আসে তখন মারধর শুরু করে দেয়, চুরি করতে গিয়ে। प्लेइंग सेवन पशुपति नेपाल दार्जिलिंग के प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता में लामागांव गोल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में एसके लाइव इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पार्टनर के रूप में है। आगामी 22 जनवरी को सेमीफाइनल और प्रसिद्ध गायिका मिलिना राय की उपस्थिति में सांगीतिक शाम का भी आयोजन किया गया है। साथ ही विजेता टीम को 2 लाख व उपविजेता टीम को 1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाने की बात कही गई है। र तपाईहरुलाई म लामागाउँ गोल्ड कप बारे केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। र लामागाउँ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजन भइरहेको लामागाउँ गोल्ड कप संस्करण 6 यानी कि सिजन 6 को हिज पहिलो सेमिफाइनल म्याच सम्पन्न भयो। र हिजको सेमिफाइनल म्याचमा झापा 11 लाई 0 को विरुद्ध सजिलै सँगले 4 गोल लाएर प्लेइङ 7 पशुपति नेपालले विजय गरेको छ। र पशुपति नेपाल प्लेइङ 7 फाइनलको निम्ति आफ्नो ठाउँ सुरक्षित बनाइसकेको छ। र दोस्रो सेमिफाइनल म्याच यानि कि अन्तिम सेमिफाइनल म्याच आउँदो 22 तारिक जनवरीको दिन सम्पन्न हुनेछ। र उक्त दिन दार्जिलिङ तरुण खेलकुद सङ्घ बनाम टिए 107 माझ हुनेछ। र उक्त दिन यहाँहरूलाई अर्को जानकारी दिन चाहन्छौँ, यानि कि 22 तारिकको दिन नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका एकदमै रिनाउन्ड पर्सन अथवा सिङ्गर मेलिना राई उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ उक्त दिन। र मेलिना राईको सम्पूर्ण फ्यान अनि सङ्गीतलाई माया गर्ने महानुभावहरू यहाँहरूले मेलिना राईलाई प्रत्यक्ष रूपमा यानि कि लाइभमा तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ। यसर्थ यहाँहरू सबैलाई म आइदिने आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि लामागाउँ वेलफेयर सोसाइटीद्वारा आयोजन भएको यो लामागाउँ गोल्ड कप सिजन 6 फाइनल खेल आउँदो 26 तारिक गणतन्त्र दिवसको दिन हुनेछ। र उक्त दिन रङ्गारङ कार्यक्रम सँगसँगै फाइनल खेल समापन कार्यक्रम हुनेछ। यसर्थ यहाँहरूलाई उक्त दिनको निम्ति पनि हामी आइदिने निमन्त्रणा गर्दछौँ। धन्यवाद। आजले बस यतै, तमाम शेष खबरहरूले बनेर यसके लाइभ, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।